Speed 24 sponsored by Kochbihar Mission Hospital Private Limited, NH31 Chokchoka, Kochbihar. कोरोना संक्रमण के बीच अलीपुरद्वार जिला प्रशासन की पहल पर धीरे धीरे 100 दिनों का कार्य शुरू किया गया, लेकिन शिकायत है कि काम शुरू होने पर भी कई मजदूर इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। शुक्रवार को कलिम्पोंग के सिंगमारी में भूखलन के कारण सड़क जाम हो गया। 10 नंबर जातीय सड़क में एक बड़ा हिस्सा अवरोध हो गया। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। सेवक रंगपो रेल पथ में यह भूखलन हुआ है। दार्जिलिंग से कलिम्पोंग तक का रास्ता भी भूखलन से प्रभावित हुआ है। भाजपा के गढ़ में तृणमूल कांग्रेस का सियासी खेल शुरू हो गया है। बंगाल पर कब्जे के बाद अब तृणमूल की नजर त्रिपुरा विधानसभा चुनाव पर है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तृणमूल ने अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य पहले से ही शुरू कर दिया है। आईपैक मामले के बीच त्रिपुरा में अब टीम बदलने का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक सुभाष भौमिक, प्रकाश दास सहित 40 अन्य कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता त्रिपुरा तृणमूल में शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के नेता गंगा प्रसाद शर्मा ने अलीपुरद्वार के सांसद और केंद्रीय प्रभारी मंत्री जॉन बाला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि केंद्र के इस उपमंत्री ने एक आदिवासी समुदाय के नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में मध्यस्थता कर 50 लाख रुपए का गबन किया है। कई साल पहले भी इस घटना के उजागर होते ही राजनीतिक माहौल में कयास लगाने शुरू हो गए हैं। आखिरकार हल्दीबारी से बांग्लादेश शिलाहाटी तक इंटरनेशनल लर्निंग रोड का कार्य सफलपूर्वक पूरा किया गया। गुरुवार की दोपहर भारतीय रेल कर्मचारियों ने सफलपूर्वक लर्निंग रोड का कार्य पूरा किया। भारत बांग्लादेश सीमा की बेड़ी को पार करते हुए भारतीय रेलवे के दो इंजन बांग्लादेश पहुंचे एवं बांग्लादेश के रेल कर्मचारियों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। 100 दिनों के कार्य परियोजना में रोड गार्ड दीवारों के निर्माण में लगे भ्रष्टाचार के आरोप। तृणमूल संचालित ग्राम पंचायत पर लगे लाखों रुपए के गमन करने के आरोप। यह घटना मालदा हरिचंद्रपुर 2 नंबर ब्लॉक इस्लामपुर ग्राम पंचायत में घटी है। वहीं इस विषय में कोई भी स्पष्टीकरण देने से पंचायत प्रमुख सुषमा मंडल ने इनकार किया है। कालचीनी ब्लॉक के बक्सा डुअर्स टी कंपनी अंतर्गत रायमटांग चाय बगान में श्रमिकों का आंदोलन जारी है। शुक्रवार सुबह भी रायमटांग चाय बगान में फैक्ट्री गेट के सामने गेट मीटिंग में शामिल हुए तृणमूल चाय बगान संगठन तराई डुअर्स प्लांटेशन वर्कर्स यूनियन की पक्ष की ओर से श्रमिकों के विभिन्न बकाया भुगतान की मांग को लेकर गेट मीटिंग शुरू की गई। शुक्रवार को भी सभी श्रमिक इस गेट मीटिंग में शामिल हुए। जलपाईगुड़ी दिन बाजार में मछली विक्रेताओं का कहना है कि बाजार में हिलसा मछली पर्याप्त मात्रा में होने के बाद भी खरीदारों के बीच इसकी मांग बिल्कुल नहीं है। हर साल जलपाईगुड़ी में खाने के शौकीन बंगालियों ने इस समय हिलसा मछली की मांग अधिक रहती है, लेकिन वर्तमान में दिन बाजार के अधिकांश मछली विक्रेता का कहना है कि हिलसा का बाजार मंदी की स्थिति में है। जलपाईगुड़ी जिले में भूमिहीनों ने गुरुवार को राज्य के पिछड़ा वर्ग विकास और आदिवासी कल्याण के प्रभारी मंत्री बुलुचिक बराई के घर पहुंचे एवं उनसे मुलाकात की और अपनी विभिन्न समस्याओं व शिकायतों को उनके समक्ष रखा। शुक्रवार को माथाबांगा 2 नंबर ब्लॉक के निशीगंज 1 नंबर क्षेत्र के ग्रामीण संसाधन कर्मियों व कीट जनित रोग निवारण कर्मियों ने निशीगंज बाजार पुलिस चौकी निशीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में कीटनाशक का छिड़काव किया और कोरोना के प्रति लोगों में जागरूकता भी फैलाई। बांग्लादेश में सख्त लॉकडाउन होने के बावजूद सड़कों पर लोगों एवं गाड़ियों की भीड़ बढ़ रही है। हालांकि चेक पोस्ट में पुलिस बीजेपी एवं सेना वाहिनी की सक्रिय देखने को मिली। इसके बावजूद भी लोग बिना कार्य के घर से बाहर निकलते देखे गए। अर्ध शताब्दी के प्राचीन काली मंदिर में ताला तोड़कर चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। शुक्रवार सुबह स्थानीय द्वारा देखा गया कि मंदिर का मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ है एवं काली माता की मूर्ति पर से सभी सोने चांदी के गहने चोरी हो चुके हैं एवं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर मालदा पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है।